हेलो दोस्तों, मैं देवांशु आपका स्वागत करता हूं हमारे डेस्टक यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आजकल यूट्यूब में एक नया फीचर जुड़ा है। वो फीचर है जैसे आप अपने यूट्यूब को ऑन करते हो तो उसमें जो वीडियोस होते हैं, जो होम स्क्रीन पर जो वीडियोस होते हैं, वो अपने आप ही प्ले होने लग जाते हैं। तो दोस्तों, ये बहुत लोगों के लिए एक बहुत बड़ी समस्या है। और जो आप किसी वीडियो चलाते हो तो उसके ख़त्म हो जाने के बाद में और दूसरे वीडियो अपने आप ही शुरू हो जाते हैं। तो अगर आप इनको ऑफ करना चाहते हो या फिर अगर ये आपको ऑफ है तो आप इनको ऑन भी कर सकते हो, ये भी मैं आज आपको बताने वाला हूँ। तो फिर दोस्तों, मैं आपको ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करता हूँ, तो चलिए आज इस समस्या का हल ढूंढते हैं। और मुझे इस समस्या का हल मिल चुका है, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले मैं YouTube में जाता हूँ। YouTube में जाने के बाद में आप देख सकते हैं YouTube एप्लीकेशन मेरी ओपन हो रही है। तो देखिए, ये ओपन हो चुकी है और ये वीडियो अपने आप ही स्टार्ट हो जाते हैं। तो दोस्तों, इनको बंद करने के लिए आपको ऊपर ऊपर एक आइकॉन नज़र आ रहा होगा, आपको यहाँ पर क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पर क्लिक कर देते हैं, उसके बाद में आपको नीचे नीचे सेटिंग्स का एक ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, आपको यहाँ पर क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पर क्लिक कर देते हैं तो आपको दूसरा ऑप्शन यहाँ पर मिल रहा होगा ऑटो प्ले का। दोस्तों, आपको इस ऑटो प्ले के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। तो ऑटो प्ले के ऑप्शन पर क्लिक कर देने के बाद में आप पहला ऑप्शन देख सकते हैं, ऑटो प्ले नेक्स्ट वीडियो। तो दोस्तों, ये ऑन रहता है, आप इसको बंद भी कर सकते हैं। दोस्तों, इसके लिए होता है कि जब आप एक वीडियो चलाते हैं तो उसके बाद में उस वीडियो ख़त्म हो जाने के बाद में दूसरी अपने आप एक वीडियो चलने लग जाती है। आप इसको ऑन रखना चाहे तो ऑन कर सकते हैं, या फिर अगर आप इसको ऑफ कर देते हैं तो आप एक वीडियो चलाएंगे तो वही वीडियो रहेगी, ना कि अगली दूसरी वीडियो अपने आप ही चल जाएगी। तो आप इसको ऑन रख सकते हैं या फिर ऑफ भी कर सकते हैं। और दूसरा ऑप्शन आपको ऑटो प्ले ऑन होम का मिलता है, यहाँ पर क्लिक करके आप इसको ऑफ भी कर सकते हैं। तो आपको यहाँ पर तीन ऑप्शन मिलते हैं। पहला है ऑलवेज ऑन, मतलब आपका जो डाटा चल रहा हो या वाईफाई चल रहा हो कोई मतलब नहीं होगा, जैसे आप होम पर होम स्क्रीन पर आएंगे तो वीडियो अपना भी चलने लग जाएंगे, इस ऑलवेज करने पर ये होता है। दूसरा ऑप्शन आपको वाईफाई ओनली का मिलता है, वाईफाई ओनली कर देंगे तो अगर आपकी वाईफाई चल रही है तो वाईफाई से ही सिर्फ जो वीडियोज़ होंगे वो होम पेज पर वो चलेंगे। अगर आपका इंटरनेट कनेक्शन है, डाटा आपने डलवा रखा है तो डाटा से वो नहीं चलेंगे। तीसरा ऑप्शन आपको ऑफ का मिलता है, अगर आपने डाटा डलवा रखा हो या फिर आपने वाईफाई किसी के लिए रखी हो तो आप जैसे होम स्क्रीन पर आएंगे तो उसको कोई मतलब नहीं है, वो डायरेक्ट वो वीडियोस को नहीं चलाएगा होम स्क्रीन पर। तो आप इसको ऑफ कर दीजिए, आप इसको ऑन भी रख सकते हैं। तो देखिए, मैंने यहाँ पर ऑफ कर दिया है। तो ऑफ कर देने के बाद में मैं बैक आता हूँ और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो मेरा यूट्यूब है वो डार्क है। तो अगर आप भी ऐसा करना चाहते हैं तो मैंने इस पर पहले से एक वीडियो बनाया हुआ है, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दूंगा, तो आप भी उसको देखकर सीख सकते हैं कि YouTube को ऐसे डार्क मोड में कैसे करना है। आप देख सकते हैं मेरा जो YouTube है वो ब्लैक हो चुका है। तो दोस्तों, अब आप देख सकते हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए, अब कोई सी वीडियो नहीं चल रही है। देखिए, आप देख सकते हैं यहाँ पर मेरे बहुत देर बाद में भी कोई वीडियो यहाँ पर नहीं चल रही है। तो ऐसा करके आप इसको बंद कर सकते हैं, ऑन करना चाहिए तो ऑन भी आप कर सकते हैं। दोस्तों, कैसा लगा आपको हमारे लिए आज का वीडियो? मुझे उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। दोस्तों, मुझे ऐसा लगता है कि आप ये सीख गए होंगे कि जो यूट्यूब है उसको ऑन करने पर जो वीडियोस अपने आप ही चल जाते हैं, ऑटो प्ले होते हैं, उनको बंद कैसे करना है या फिर चालू कैसे करना है। तो फिर अगर आपको हमारी ये टेक्निक पसंद आई है, हमारे वीडियो पसंद आया है, तो हमारे इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और सब्सक्राइब के बटन के बगल में जो बेल आइकन होता है उस पर प्रेस करना ना भूलिए। इससे हमारे जो लेटेस्ट वीडियो आएंगे उनकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। धन्यवाद।